बिग बॉस 12 में इस सदस्य को सब मिलकर करेंगे बायकॉट। बिग बॉस 12 के घर का माहौल बदलने वाला है। बता दें, श्री संत और अनूप जलोटा सीक्रेट रूम में बैठकर घर के हर सदस्य पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। बीते कुछ दिनों में घर वाले नॉमिनेशन से बचने के लिए कैप्टनसी जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सब एक दूसरे पर जमकर वार कर रहे हैं। बिग बॉस के घर में हाथापाई और लड़ाई झगड़े के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। उसके बाद भी घर में सभी चीजें हो रही है। सीक्रेट रूम में बैठकर सोमी की बात सुनकर श्री संत ने दीपिका के बारे में अपनी सोच बदल दी है। श्री संत अनूप जलोटा को बताते हैं कि दीपिका ने घर से बेघर होने के लिए मेरा नाम लिया, जो उनके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। श्री संत ने कहा कि करणवीर और दीपिका मिलकर कुछ और ही गेम प्लान कर रहे हैं। श्री का कहना है कि घर में वापस लौटने के बाद वो दीपिका को तवज्जो नहीं देंगे। बात की जाए घर के बाकी सदस्यों की, तो सृष्टि रोड़े और दीपिका के बीच लगातार खटपट होती नजर आई है। सृष्टि रोड़े दीपिका को खास पसंद नहीं करती हैं। देखा जाए तो सृष्टि रोड़े एक सेलिब्रिटी हैं, लेकिन फिर भी उनका कनेक्शन सिंगल्स के साथ ज्यादा नजर आता है। सृष्टि भी यह कहती नजर आई है कि उनका सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्शन सिर्फ श्री संत की वजह से था। अब वे वजह नहीं है तो वे अब सेलिब्रिटीज के खेमे की तरफ नहीं है। दीपिका पूरे गेम को अपनी सूझबूझ और समझ के साथ खेल रही हैं, जिसकी वजह से वे घर के हर सदस्य के निशाने पर रहती हैं। श्री के एलिमिनेशन के लिए सभा सोमी और घर के बाकी सदस्य दीपिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में सब घर वाले दीपिका को अलग अलग नाम दे रहे हैं। आगे आने वाले हफ्ते में अनूप जलोटा और श्री संत की घर में एंट्री होगी, जिसके बाद श्री संत दीपिका पर जमकर बरसते नजर आएंगे। घर वाले भी श्री संत को सपोर्ट कर रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि श्री संत की वापसी के बाद दीपिका को अकेला रहना पड़ सकता है और घर वाले उन्हें बायकॉट भी कर सकते हैं।